नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। आईएसआईएस ने जारी किया खौफनाक वीडियो। वीडियो में अमेरिकी जासूसों को हलाल कर बनाई गई ईद। वीडियो में पेरिस के आईफिल टावर और नीस हमले की तस्वीरें दिखाई गई। पाकिस्तान से बढ़ती दोस्ती को चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने बताया बेवकूफी। चीन पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर को दोनों देशों के लिए बताया मुश्किल। चीन को दक्षिण एशिया के दूसरे देशों पर ध्यान देने की दी नसीहत। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 22 देशों को गैर कानूनी ड्रग उत्पादक देशों की श्रेणी में डाला, भारत को भी किया शामिल। बोलीविया, म्यांमार और वेनेजुएला को पिछले 12 महीने में तय जवाबदेही का निर्वाह करने वाले देशों की सूची में रखा। अमेरिकी जनगणना रिपोर्ट का खुलासा, अमेरिका में 4,30,00,000 से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे। पिछले 16 वर्षों में गरीबी दर में आई सबसे बड़ी गिरावट। भारतीय मूल की डायने गुजराती, अमेरिका में बन सकती हैं संघीय जज। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने किया नामित। अमेरिकी अटॉर्नी ऑफिस में चीफ ऑफ क्रिमिनल डिवीजन का कार्यभार संभालती हैं डायने। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ईद के मौके पर हुए बम धमाके, 2 पुलिसकर्मियों की मौत, 23 लोग घायल। किसी भी आतंकी संगठन ने नहीं ली जिम्मेदारी। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।